हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज हम बात करने वाले एलजी ट्विंस बस दूसन बीएस बेसबॉल मैच के बारे में, जो केबीओ लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम के लिए किस पर पिक करना है, किस पर को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में, और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको एक तरफा विनिंग टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको सिर्फ विजन 11 को डाउनलोड करना है। जो विजन 11 है, यहां पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, जीतने के हाई चांसेस है। प्लस अगर आप मेरे लिस्ट डाउनलोड करेंगे और मेरा रेफर करेंगे टीटी प्लेइंग, तो 300 का वैलिड बैलेंस भी मिलेगा। तो जल्दी जल्दी विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करें कुछ स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच दिन में 1:30 23 अप्रैल को शनिवार को होने वाला है। मैच डिटेल्स के बारे में बात करूं, दोस्तों कोरियन बेसबॉल लीग इस मैच की रही, आपको डेट बता चुका हूं, टाइम भी आपको बता चुका हूं। अब कुछ फंटेसी टिप्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन कैचिंग बहुत आर गुड दोस्तों, लेकिन यू कंगनाम एक ज़्यादा बढ़िया सोच रहने वाली है, तो आपको ट्राई करना। आप एज अ कैचर यू कंगनाम को पिक करके चल रहे हो, जिससे आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। कैसिकली और स्टॉक रॉबर्ट आपको पिचिंग करते दिखने वाले हैं। और दोस्तों, जो दूसन बीएस है, इनकी डीओबी है, वो ज़्यादा अच्छी टीम रहने वाली एलजी ट्विंस से, तो आपको ट्राई करना है। आप दूसन बीएस से ज़्यादा प्लेयर पिक करके चल रहे हो, जिससे आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। सोमोलिक चॉइस के बारे में बात करूँ तो एलजी ट्विंस आप कंगनाम को लेकर चल सकते हैं, बेगोंग को लेकर चल सकते हैं, और डीओबी की दोस्तों दूसन बीएस आप जोस फर्नांडिस को पिक कर सकते हैं, सुबिन को भी पिक करके चला सकते हैं। और ग्रैंडलिक चॉइस के बारे में बात करूँ, बोनक, कैसकैली, ग्योगम और दोस्तों जाए हो, ये सभी जो आप ग्रैंड लीग के लिए होने वाले। ये थे कुछ जो समोली और ग्रैंड लीग में आप पिक करके चल सकते हैं। कुछ अच्छे खासे की प्लेयर्स दोस्तों एलजी ट्विंस से ह्यूनसू, क्योंगचांग और कैंगनाम, और दोस्तों डीओबी से जी हवान, इंताई और जोस फर्नांडिस, ये सभी की सभी तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ दोनों टीमों के, तो एलजी ट्विंस से आप दोस्तों हाइमिन की तरफ जा सकते हैं, ह्यूनसू की तरफ जा सकते हैं, चेंगी की तरफ जा सकते हैं, ब्योंग्योंग की तरफ जा सकते हैं, और यू कंगनाम की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसी चॉइस है जिन्हें आप अपनी टीम में पिक करके चला सकते हैं एलजी ट्विन से। और दूसरे बियर से बारे में दोस्तों, जी हवान, सुबिन, सुबिन दोस्तों काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, इंताई, जिनाम और जोस फर्नांडिस, जोस फर्नांडिस भी काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है। तो ये थी दोस्तों कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस वाली टीम। अब बात करूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, तो एलजी ट्विन से आप ह्यूनसू और क्योंगचांग की तरफ जा सकते हैं, और दूसरे बियर से आप जी हवान और जोस फर्नांडिस की तरफ जा सकते हैं। ये आपकी टीम में काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चॉइस रहने वाली है। दोस्तों, आपके सामने एलजी ट्विंस की स्क्वाड और ये आपके सामने दूसरे बियर्स की स्क्वाड। मैं पढ़ने को बैठूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं बात करूँगा सीधे प्रोबेबल प्लेइंग नाइन के बारे में, तो एलजी ट्विंस की प्रोबेबल प्लेइंग नाइन के बारे में बात करते हैं। पारक हाइमिन दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी होने के लिए एक एवरेज चॉइस रहेगी, तो पिक करके चल सकते हैं। ह्यूनसू एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, कन्फर्म पिक करेंगे। चेंगकी दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, मिनसंग एक एवरेज चॉइस रहेगी, बोनक एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। ब्योंगोंग का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी खास है, बाकी ज़्यादा न्यू प्लेयर नहीं है। क्योंगचांग दोस्तों ड्रॉप कर देंगे, कैसे कर देखते हैं पिक, फिर ड्रॉप करें, और यू कंगनाम को तो कन्फर्म पिक करके चलने वाले हैं। तो ये थी आपके सामने एलजी ट्विंस की स्क्वाड। अब मैं बात करूँ दोस्तों दूसरे बेर की स्क्वाड के बारे में, जी हवान एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, सुमी दोस्तों काफ़ी नेक्स्ट लेवल चॉइस, और मैं अपनी टीम इनको वो इस कैप्टन में चूज करके चला सकता हूँ। इंताई दोस्तों पिक करूँगा, चंग को ड्रॉप करूँगा, जोस फर्नांडिस को कन्फर्म पिक करूँगा। बाकी आपको पता है कि जो केबीओ के मैच होते हैं वहाँ पर क्रेडिट को लेकर भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, जाए हुए काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, पारगियम भी दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, और स्टॉक रॉबर्ट को ड्रॉप करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आपके सामने दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग नाइन। अब मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच की जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो आपको देने वाला हूँ। ड्रीम टीम दूसरे पहले मेरी मेहनत एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करके चलना है, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक मुझे कर लेनी है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करूँगा और फील्डर सेक्शन से। ह्यूनसू दोस्तों एक काफ़ी बड़ा चॉइस होने वाली है, बाकी ज़्यादा न्यू प्लेयर नहीं है, दोस्तों इनके एक्सपीरियंस प्लेयर रह सकते हैं, या आप इन्हें कहते हैं कि मिडिल वाला प्लेयर आप इन्हें कहकर चल सकते हैं, तो आप पिक करके ना चलेंगे। दोस्तों संगजू दोस्तों वॉइस कैप्टन के लिए आप इन्हें चूज कर सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। समोली में दोस्तों वॉइस कैप्टन में है, उन सो को भी चूज करके चल सकता हूँ, बाकी लास्ट में देखेंगे कि वॉइस कैप्टन किसको चूज किया जाए। इनता एक एवरेज चॉइस रहेगी दोस्तों, बाकी ज़्यादा बड़ी चॉइस इसलिए नहीं रहने वाले, इनका जो परफॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा है, बाकी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर रहेंगे।
और दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर हाइमिन के बारे में, तो हाइमिन को कन्फर्म पिक करेंगे। दोस्तों आपको पता है इनके इनको पिक करने के दो कारण है, एक तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा अभी तक इनका, और एक इनके जो क्रेडिट वो भी काफ़ी कम है। आपको पता ही है कि जो केबीओ के मैच होते हैं दोस्तों, दूसरी भी जैसी टीम प्ले कर रही हो तो क्रेडिट इशू का तो होना ही होना बनता ही है। अगर मैं बात करूँ इनफील्डर सेक्शन के बारे में दोस्तों, ब्योग्योंग इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, मैं भी इनको टीम में वॉइस कैप्टन चूज कर चल सकता हूँ। और सो फिलहाल मैं जी हमारे को अपनी टीम से ड्रॉप करके चल रहा हूँ ड्यू टू क्रेडिट इशू, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी टीम को सेट किया था, मेरे पास लास्ट टाइम 12.5 क्रेडिट बचे हुए थे लेकिन 13 क्रेडिट के हैं, तो लेकिन लास्ट टाइम जो मेरी टीम होगी मैं ट्राई करूँगा कि इनको अपनी टीम लिए पिक कर लूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैंने प्रोबेबल प्लेइंग नाइन मैंने बनाई है वो चांस कम रहेंगे कि एक दो प्लेयर प्ले ना करें, तो उनको एडजस्टमेंट करके मैं जी हार को अपनी टीम लिए पिक कर लूँगा। दोस्त फर्नांडिस दोस्तों कैप्टन के लिए इस मैच में सबसे बड़े दावेदार, अगर वो अच्छे पिचर प्ले करते हैं तो उसको मेरी टीम में कैप्टन चूज के चल सकता हूँ। बाकी फिलहाल जोस फर्नांडिस को मेरी टीम में कैप्टन चूज के चल रहा हूँ। और दोस्तों क्योंकि मैं इनको ट्राई किया, ये भी मेरी टीम के लेकर एवरेज हिसाब कह के चल सकते हैं। पिचर के बारे में बात करूँ तो पिचर कैली दोस्तों ये ज़्यादा बड़ी नहीं, एक एवरेज रह सकती है, तो आप इन्हें अपनी टीम में कन्फर्म पिक करके चलें। और कैचर के बारे में बात करूँ तो कैंगनाम इनका जो परफॉर्मेंस अभी तक का काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों, तो एलजी डिवीजन के सिर्फ तीन ही मैच और तीनों के तीनों मैच में उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा ही हुआ है, तो कैंगनाम एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों आप टीम का प्रयोग कर लीजिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मेरी टीम में चार आउटफील्डर, तीन इनफील्डर, एक पिचर और एक कैचर को चूज किया है, जो मेरी कैप्टन चॉइस है। कैप्टन रहेंगे जोस फर्नांडिस, मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी दोस्तों ये चेंज हो जाएगा अगर कोई अच्छा पिचर प्ले करता है तो, और वो इस कैप्टन के चलूँगा दोस्तों क्योंगमिन को। बाकी कैंगनाम भी एक काफ़ी बड़े दावे रहेंगे वॉइस कैप्टन के, कि दोस्तों कैंगनाम बिल्कुल सेफ चॉइस रहेगी वॉइस कैप्टन के लिए, इनका जो परफॉर्मेंस है एक एवरेज परफॉर्मेंस देकर जा सकते हैं, तो वॉइस कैप्टन चॉइस मेरी चेंज हो सकती है। बाकी मैं आपको बता दूँ मेरी फाइनल टीम रहेगी दोस्तों, इसमें जो भी चेंज है इसमें जो भी अपडेट होगा आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही पता लगेगा, आप सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी तक काफ़ी मेहनत लगी है तो उसके लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।